हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिख रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का 9th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर का 9th और आखिरी वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर आज हम रैप अप कर देंगे और पूरा चैप्टर का ओवरऑल व्यू ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किन किन चीज़ों के बारे में, द इंडियन डेजर्ट के बारे में, हमारे कोस्टल रीजन्स के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडियन आइलैंड्स के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें डेजर्ट के बारे में, इंडिया में जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में और कोस्टल प्लेन्स के बारे में, इन तीनों के बारे में जानकारी इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। तो ज्योग्राफिकल व्यू के हिसाब से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा नॉलेजफुल और इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पेनिनसुलर प्लेटू के दोनों पार्ट यानी कि द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू को पढ़ लिया था, और तो और साथ ही साथ हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा डिटेल में, उनका कंपैरिजन भी देखा, उनके फीचर्स भी देखे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में चलिए हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो क्या है वो रेगिस्तान, क्या है वो डेजर्ट, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, द इंडियन डेजर्ट को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, द इंडियन डेजर्ट को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है थार। जी हाँ, द थार डेजर्ट, ये बहुत फेमस है। पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट, उसके बाद किसी का नाम आता है तो वो है थार डेजर्ट। जी हाँ स्टूडेंट, थार डेजर्ट जो है बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। थार, THAR, जो राजस्थान के और गुजरात के इलाके को टच करता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो जो भी रेगिस्तान है राजस्थान और गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर वाला, वो रेगिस्तान को ही, उसी रेगिस्तान को क्या कहते हैं, थार डेजर्ट कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इस इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात, इट लाइज ऑन वेस्टर्न मार्जिस ऑफ अरावली हिल्स। ये जो थार डेजर्ट है, दो इंडियन डेजर्ट है, वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, अरावली जो हिल्स है, माउंटेन हिल्स हैं, उनके वेस्टर्न किनारे पे यानी कि वेस्टर्न मार्जिन पर पाया जाता है। जी हाँ, इंडियन डेजर्ट के इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न एज पे, वेस्टर्न पार्ट पे पाया जाता है। ठीक, वेस्टर्न एरिया में अरावली हिल्स है, तो उसके वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ठीक है, सेंटर में अरावली हिल्स है। ये जो हमारा सेंटर है वहां पे अरावली हिल्स है ना, ये अरावली हिल्स है, ठीक, अरावली हिल्स है। तो उसका ये वेस्ट है, उसका ये नॉर्थ, उसका ये साउथ, उसका ईस्ट है। तो इसी वेस्ट पार्ट में क्या है फिर हमारा इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट है। ठीक, ये हमने बात कर ली है इसकी। अब दूसरी बात, इट कंटेन्स, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, इट कंटेन्स सैंडी प्लेन। सैंडी मतलब रेतीला, जिसका प्लेन जमीन है वो कैसा है, रेतीला है, यानी प्लेन समतल जमीन है लेकिन ये रेतीला है, सैंडी, यहाँ की सॉइल जो है पूरी रेतीली है। और रेत कैसी होती है, सैंड कैसा होता है, आप जानते हैं, पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट सैंडी प्लेन विथ वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, है ना, आपने देखे होंगे रेत के, आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेत होता है वो ऐसे प्लेन नहीं होती है डेजर्ट में, आपको ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऊपर नीचे दिखाई देता है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े टीले जमा है, ढेर जमा है रेत का, वो हवा के कारण, हवा के बहने की वजह से वो जमा हो जाते हैं रेत। ठीक, तो इट कंसिस्ट सैंडी प्लेन विथ वेरियस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही बताया गया है कि इस थार डेजर्ट में, इस इंडियन डेजर्ट में क्या है, सैंडी प्लेन है, रेतीला समतल जमीन है, साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले भी है, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं जो कई प्रकार के हैं, ऊबड़ खाबड़ नीचे, है ना, वेरियस शेप में, लॉन्जिट्यूडनल शेप में, इरेगुलर शेप में, है ना, इस तरह से क्रिसेंट शेप में, क्रिसेंट समझते हैं ना, अर्ध चंद्रकार जैसा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा सैंड ड्यून जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, उसमें ऐसी ऊंचाई होती है, इधर से चढ़ते हैं फिर इधर से ड्रॉप होता है, तो ऐसा क्रिसेंट शेप में होता है। क्रिसेंट कैसा होता है, सब मून, क्रिसेंट मून देखा हो आपने, जी बिल्कुल उसी तरह से। इस पूरे एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है पूरे साल भर में, इट रिसीव्स लेस देन 150 mm रेन फॉल, यहाँ पूरे साल भर में जो 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। जी हाँ, एवरेज रेनफॉल जो यहाँ पर होती है वो कम से कम 150 मीटर से भी कम रेनफॉल है। जी हाँ, मीटर नहीं, सॉरी मिलीमीटर की बात कर रहे हैं हम। इट रिसीव्स लेस देन 150 मिलीमीटर रेनफॉल एनुअली, साल भर में सिर्फ 150 मिलीमीटर की बारिश होती है जो बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया को अगर अच्छा खासा वेजिटेशन चाहिए, बढ़िया वेजिटेशन चाहिए, तो कम से कम 75 सेंटीमीटर के रेनफॉल तो चाहिए होता है एनुअली उसको, लेकिन यहाँ तो उतना भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 150 mm रेनफॉल ही मिल पाता है यहाँ पर साल भर में, तो बहुत कम बारिश होती है। और इतने कम बारिश में पेड़ पौधों का, नेचुरल वेजिटेशन का उगना बहुत लगभग नामुमकिन हो जाता है या फिर नाममात्र हो जाता है। तो इसलिए डेजर्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वही वेजिटेशन उगती है जो कांटेदार होती है, स्पाइक्स वाले होते हैं, स्पाइन्स वाले होते हैं ना, कैक्टस हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, इस तरह के ही पेड़ पौधे यहाँ पर उग पाते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं होती है और वो गर्मी में भी
जिंदा रह सकते हैं, झेल सकते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ उगते हैं। ठीक, इट रिसीव्स लेस देन 150 मिलीमीटर रेनफॉल एनुअली। अब हम बात करते हैं आगे की इसी। इट हैज अरिड क्लाइमेट, हॉट अरिड क्लाइमेट, हॉट अरिड क्लाइमेट। जी हाँ स्टूडेंट, अरिड का मतलब होता है गर्म प्रदेश, उष्णकटिबंध जो बोल देंगे उसको। यहाँ पे बहुत ही गर्म जलवायु है, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई चल रहता है। रात के टाइम पे यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री भी आ जाता है और दिन में यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री भी पहुंच जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, किसी किसी पार्ट में तो 50 से भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर। तो इट हैज अरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन। अब इतनी गर्मी है तो वेजिटेशन कैसा है, लो, यानी बहुत कम जगह पर पेड़ पौधे देखने मिलते हैं। डेजर्ट पे आप खुद ही देखिए, आपने देखा होगा डेजर्ट में दूर दूर तक कहीं पेड़ नजर नहीं आता, बस छोटी छोटी हरी हरी घास या झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां नजर आती हैं। इट हैज अरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन, स्ट्रीम्स अपीयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। और वो जो झाड़ियां भी छोटी छोटी जो दिखती हैं वो भी मानसून के समय ही दिखती हैं, बाकी टाइम पे नहीं दिखती हैं। इट ओनली अपीयर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, क्योंकि मानसून में बारिश मिलती है तो झाड़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे धूप बढ़ती जाती है, पानी खत्म होता है, वो झाड़ी फिर से सूख भी जाती है। तो इट हैज अरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन, स्ट्रीम्स ओनली या स्ट्रीम अपीयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये बात कही है। यहाँ पर पूरे एरिया में एकमात्र जो सबसे बड़ी नदी वह है लूनी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, है ना, बाकी सब छोटी है, इसकी ट्रिब्यूटरी होंगी, लेकिन यही एकमात्र नदी है लूनी रिवर, यही यहाँ पर बहती है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, इस पूरे इंडियन डेजर्ट में, इस पूरे थार डेजर्ट में एकमात्र नदी बहती है जो क्या है, लूनी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस होल रीजन। ये स्टूडेंट लूनी रिवर की बात की, याद रखना आपको, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, जनरल नॉलेज के एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि डेजर्ट में या इंडियन डेजर्ट में, थार डेजर्ट में जो प्रमुख नदी बहती है, मेन रिवर बहती है, वो कौन सी है, तो लूनी रिवर एकमात्र है जो बहुत मेन है। ठीक, लूनी रिवर। उसके बाद क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, यहाँ पे क्रिसेंट शेप, जैसे आपको मैंने अभी डायग्राम बना के बताया था, ऐसा क्रिसेंट शेप में यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलते हैं, यानी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। मैंने देखा होगा कुछ ऐसा शेप होता है, फिर वो ऐसा डाउनवर्ड्स होता है, ऐसा चढ़ के ऐसा उतरने वाला होता है ना, क्रिसेंट शेप इसको बोलते हैं। अर्धचंद्रकार गोलाकार इसको बोला जाता है, गोलाकार अर्धचंद्रकार। तो क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स कॉल्ड बारचंस, क्या बोलते हैं इन क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स को, बारचन कहते हैं। ये स्टूडेंट, ये क्रिसेंट शेप के जो सैंड ड्यून्स, रेत के टीले होते हैं, ऐसे रेत के जो टीले होते हैं क्रिसेंट शेप में है, तो उसको क्या बोलेंगे, बारचंस बोलेंगे। कवर्स मोस्ट ऑफ दिस डेजर्ट, तो इस पूरे डेजर्ट में आपको यही देखने मिलता है। आपने देखा होगा कि डेजर्ट में राजस्थान के इससे रेगिस्तान में आपको इससे रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार के, ऐसा ऊंचा रहता है फिर से डाउनवर्ड, यानी क्रिसेंट शेप में ही होता है हमेशा, चारों तरफ अधिकतर तो यही फैला हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, बारचन कहा जाता है, और यही बारचन पूरे डेजर्ट में फैला हुआ है। उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स आर आल्सो सीन, कई बार लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स भी देखने मिलते हैं, यानी इस तरह के ड्यून्स के अलावा भी जो लॉन्जिट्यूडनल प्लेन जैसा हो, है ना, आप देख पाते हैं ऐसे प्लेन जैसे जो ड्यून्स होंगे जिसे लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है, वो भी देखने मिलते हैं। कहां पर, वेस्टर्न एज ऑफ दिस रीजन नियर इंडो पाक बॉर्डर। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान, यानी कि टेररिस्तान, पाकिस्तान मतलब आतंकवादियों का देश, उसी स्थान पर, उसी बॉर्डर वाले एरिया पे क्या मिलता है हमें, ये जो लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है, यानी बारचंस नहीं, कौन सी, लॉन्जिट्यूडनल। बारचन तो प्लेन वाले होते हैं, जो प्लेन सैंड ड्यून्स होता है ना उन्हें बारचन कहते हैं, लेकिन जो लॉन्जिट्यूडनल होंगे, ऐसे लॉन्जिट्यूड शेप में होंगे ना, उसे वो इंडो पाक बॉर्डर पर मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इन्हें कुछ कहा नहीं जाता, बट ये लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है। ठीक है, ये ऐसा नाम नहीं है इसको, जिससे इसका नाम बारचन है, जो क्रिसेंट शेप में होगा उसका नाम बारचन है, क्रिसेंट सैंड ड्यून है तो बारचन, और लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून है तो उसका कोई नाम नहीं दिया गया। ये याद रखना कि जो लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है वो कहाँ मिलते हैं, इंडो पाक बॉर्डर पर मिलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स आर ऑल्सो सीन ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ दिस रीजन नियर इंडो पाक बॉर्डर, इस पूरे एरिया के वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में जो है, ये पहले ही वेस्ट पार्ट में अरावली के, और इस वेस्टर्न के भी वेस्टर्न पार्ट में जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर पाया जाता है, वहां पर ये मिलते हैं, कौन से, लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। जबकि बाकी एरिया में, सब पूरे एरिया में, वेस्ट को छोड़ के बाकी पूरे एरिया में क्या मिलते हैं, बारचंस मिलते हैं। ठीक, और बाकी जो ये एकमात्र एरिया है वहां पर क्या मिलता है, लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून मिलता है। इस डेजर्ट का एक और नाम है, दिस डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट। तो ये बात की हमने इंडियन डेजर्ट की, इंडियन डेजर्ट जो है वेस्ट पार्ट में अरावली हिल्स के, इसमें वेरियस टाइप के सैंड ड्यून्स मिलते हैं, साथ ही साथ सैंडी प्लेन भी है। यहाँ पर जो बारिश होती है साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है, अरिड क्लाइमेट है, यानी गर्म वातावरण है, जहाँ पे लो वेजिटेशन है, यानी बहुत कम पेड़ पौधे वनस्पतियां उग पाती हैं, और वो भी कब दिखाई देते हैं, स्ट्रीम अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग मानसून सीजन, वो भी सिर्फ मानसून के समय ही दिखती है, जब बारिश होती है थोड़ी बहुत तभी,
और तो स्टूडेंट यहाँ पर एकमात्र मेजर रिवर जो है बहने वाली, एकमात्र प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है, लूनी रिवर। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और यहाँ पे क्रिसेंट शेप में जो सैंड ड्यून्स, यानी क्रिसेंट शेप में अर्धचंद्रकार के शेप में जो सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले हैं उन्हें क्या कहते हैं, बार्जन्स कहते हैं। पूरे एरिया में यही देखने मिलता है, लेकिन वेस्ट पार्ट में, इस डेजर्ट के वेस्ट पार्ट में जो इंडो पाक बॉर्डर के पास है वहां पर लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स भी देखने मिलता है। और इसका नाम क्या है, थार डेजर्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, थार डेजर्ट कहते हैं। तो ये बात कर ली हमने थार डेजर्ट की। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। स्टूडेंट्स हमने बात कर ली इंडियन डेजर्ट की, हमें बात करनी है कि इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स है, भारत जो है एक समुद्र से लगा हुआ देश है, इंडिया के साइड में सीज और ओशियंस है, तो उन्हीं ओशियंस के किनारे जो हमारा कोस्टल एरिया है, समुद्र का किनारा है, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। द कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया है ना, जो भी समुद्र तल होते हैं, समुद्र तट जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, कोस्टल प्लेन कहा जाता है। यानी समुद्र और लैंड के पास जो बाउंड्री बनी होती है, यानी उनके दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है डिवाइड करने वाला, जहां समुद्र मिलता है कोस्ट किससे, लैंड से, तो वो जो एरिया होता है कोस्ट कहते हैं। उसी एरिया की बात कर रहे हैं, समुद्र के किनारे की बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट जिसे आप बीच भी कहते हो वही। द पेनिनसुलर प्लेटी इज बॉर्डर्ड विथ नैरो स्ट्रिप्स। जो पेनिनसुलर प्लेटी है बीच में है ना, वो पूरा एरिया बॉर्डर है, एक तरफ से गुजरात की तरफ समुद्र है और एक तरफ से इधर आसाम बंगाल वेस्ट बंगाल की तरफ समुद्र है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की तरफ समुद्र है, बे ऑफ बंगाल वाला, ठीक उसी की बात हो रही है। द पेनिनसुलर प्लेटी इज बॉर्डर्ड विथ नैरो स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग विथ अरेबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, अलोंग विथ अरेबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट। जी हाँ, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, सऊदी अरब की तरफ अरेबियन सी है, गुजरात की तरफ मुंबई की तरफ क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर। और बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ईस्ट में। जी हाँ स्टूडेंट, आपने देखा इंडिया का मैप कुछ नीचे में ऐसा है ना, ऐसे ही है ना ऐप, तो यहाँ पर जो ऐप है ये बे ऑफ बंगाल है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है, अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है यहाँ पर, जिसको अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल, तो यही कोस्टल एरियाज की बात हो रही है। तो ये दोनों तरफ से बीच में ये प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये दोनों तरफ से कैसे घिरा हुआ है, नैरो स्ट्रिप से, कोस्टल प्लेन्स से, जो क्या है हमारे वेस्ट पार्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड विथ नैरो स्ट्रिप्स, बॉर्डर विथ नैरो स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग विथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, अरेबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, तो ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब वेस्टर्न कोस्ट की बात कर लेते हैं, हम दोनों कोस्ट की एक साथ बात करेंगे, पहले वेस्टर्न कोस्ट फिर ईस्टर्न कोस्ट। तो चलिए देखिए वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है, इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट थे और ये अरेबियन सी, इसके बीच का जो पूरा एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं हम, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, यानी वेस्ट साइड का हमारा समुद्री किनारा, यानी वेस्टर्न पार्ट में जो है, कौन से भाग में, पश्चिम भाग में, वेस्ट मतलब क्या, पश्चिम, जो पश्चिम इलाका है पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट, वही क्या कहलाता है हमारा, ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच वाला एरिया है। ठीक, इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। दूसरा, इट कंसिस्ट थ्री सेक्शन, और इसमें भी तीन सेक्शन है, जैसे कि अब अगर आप देख पाए इसको फिर से मिटा के आपको बनाकर दिखाते हैं कि ये अरेबियन सी, तो ये यहाँ पर मुंबई गोवा वाला अलग है, कन्नड़ वाला कमिल वाला ऐसा अलग है, यानी तीन भागों में उसको भी डिवाइड कर दिया, यानी ये जो अरेबियन सी वाला कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न प्लेन जो है, वेस्टर्न कोस्ट, उसको भी तीन भाग में डिवाइड किया। कैसे, देखिए, इट कंसिस्ट थ्री सेक्शन, जो नॉर्थ पार्ट है उसको बोलते हैं कोंकण, ठीक, जो सेंट्रल पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है तो उसको कोंकण बोलते हैं, जिसमें मुंबई और गोवा आता है, फिर जो सेंट्रल पार्ट है बीच वाला जो पार्ट है वो कोंकण कहलाता है, और सबसे लोएस्ट पार्ट जो है साउथ पार्ट, ये नीचे का साउथ वाला एरिया का जो पार्ट है उसे बोलते हैं मलाबार कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाबार कोस्ट। जी हाँ, नॉर्थ पार्ट को कोंकण प्लेन बोलते हैं, ठीक, सेंट्रल पार्ट को कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और साउथ पार्ट को मलाबार कोस्ट बोलते हैं। नॉर्थ पार्ट जो मुंबई गोवा वाला एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम, कोंकण प्लेन। फिर जो सेंट्रल प्लेन है जो कन्नड़ बोलेंगे, कर्नाटक के पास, और जो नीचे सबसे लोअर में है साउथ में, उसको क्या बोलते हैं, मलाबार कोस्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो वेस्टर्न समुद्री किनारा है इसको तीन भाग में बांटा गया, एक दो तीन, है ना, इसको बोला कोंकण, इसको बोला कन्नड़, इसको बोला मलाबार कोस्ट। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, वेस्टर्न कोस्ट भी तीन भागों में बांटा हुआ है एरिया वाइज, सेक्शन वाइज, है ना, ये वाला जो एरिया मुंबई गोवा वाला नॉर्थ साइड, बीच में कर्नाटक वाला कन्नड़, और सबसे लास्ट साउथ का जिसको क्या बोला, साउथ डायरेक्शन का सबसे लोएस्ट को क्या बोला गया, मलाबार कोस्ट बोला गया। तो इस तरह से वेस्टर्न कोस्ट भी क्या हुआ है, बटा हुआ है।
अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। जी हाँ, इट लाइज अलोंग बे ऑफ बंगाल एंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक दैट इज चिलिका लेक इज फाउंड हियर। जी हाँ, इट लाइज अलोंग बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल के पास में है। ये जो बे ऑफ बंगाल के पास में जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है यही हमारा क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्ट वाला समुद्री किनारा है। जी हाँ, पूर्वी समुद्री तट जिसे कहा जाता है वही हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक, तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है यहीं पर दुनिया की सबसे फेमस लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसे चिलिका लेक, लेक चिलिका भी कहते हैं। जी हाँ, सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, लेक मतलब झील है, तालाब जैसे नहीं, तालाब तो वो छोटा होता है, झील बहुत बड़ी होती है। झील में अंदर से पानी आता है जमीन के नीचे से, और तालाब में तो सिर्फ बारिश का पानी जमा होता है। तो जो लेक है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसे चिलिका लेक कहा जाता है, जो उड़ीसा वाला है, वो इसी ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक। और यहाँ तो ये जो लेक पर है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है, यानी बहुत सारी माइग्रेशन के बर्ड्स आती है, यानी विदेशों से चिड़ियाँ पक्षी जो है उड़कर आते हैं इंडिया में अपना टाइम बिताने। यानी मान लीजिए गर्मी की जो छुट्टियाँ होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए गर्मी के वेकेशन, गर्मी के लिए हम कहीं और जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा ना पड़ती हो, वैसे बर्ड्स क्या करते हैं, क्रिएचर्स क्या करते हैं, अपने आप को सूट करने के लिए उनको जो एनवायरमेंट सूट होता है वहां पर उड़ के पहुंच जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। फिर जैसे ही वहां का टेम्परेचर खत्म हो जाता है, उनके पुराने घर का टेम्परेचर जहां पे था वो वहां पर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्बिया कंट्री है, तो सर्बिया कंट्री में जब वहाँ पे गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ ठंडी रहती है, तो वो बर्ड को सिर्फ ठंडी चाहिए होती है, तो वहाँ पे ठंडी में रहता है वो पूरे 6 महीने, पर जैसे जैसे वहाँ पे गर्मी शुरू होती है तो हमारे यहाँ ठंडी शुरू होती है, तो सर्बिया से उड़ के कहाँ आ जाते हैं, वो इंडिया आ जाते हैं और इन्हीं लेक के आसपास रहते हैं, पूरी ठंडी अपनी बिताते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न किरकर। जी हाँ, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको नॉर्दर्न किरकर बोलते हैं, CIRCAR, इसको किरकर, सिरसर में इसको किरकर बोलेंगे। नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न सिरसर बोलेंगे, और इसका जो साउदर्न पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, साउदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोमंडल कोस्ट। इसके तीन पार्ट हैं, इसके दो ही हैं, यहाँ पर तीन पार्ट थे है ना, कोंकण, कन्नड़ और क्या था, मलाबार कोस्ट, जबकि इसके दो ही हैं, एक कौन सा, नॉर्दर्न किरकर और दूसरा क्या है इसका, हमारा कोरोमंडल कोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका, कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक, एक्सटेंसिव डेल्टाज हैव बीन फॉर्म। यहाँ पे बहने वाली जो नदियां हैं बड़ी बड़ी, कौन सी नदियां, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन बड़ी बड़ी नदियों के वजह से यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टाज फॉर्म हो गया। डेल्टा का मतलब समझते होंगे आप, डेल्टा मतलब वो एरिया, वो लैंड पार्ट जो समुद्र में नदी मिलती है। जैसे ही ये समुद्र मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर जा रही है और ये समुद्र है, ठीक, तो जब ये नदी समुद्र में ऐसे मिलेगी तो यहाँ पर जो पूरा एरिया फॉर्म होगा, इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेल्टा कहते हैं। तो यही डेल्टा फॉर्म होता है किनके वजह से, इन कृष्णा कावेरी है ना गोदावरी नदियों के वजह से, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों के वजह से बनता है, ये सब ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है स्टूडेंट। जी हाँ, इन्हीं की वजह से क्या होता है, डेल्टा फॉर्म होता है। तो ये हमने स्टूडेंट बात की कोस्टल प्लेन की। जो कोस्टल प्लेन है हमारा इंडिया का, वो दो नैरो स्ट्रिप से घिरा हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। जी हाँ, पूरा पेनिनसुलर प्लेटू दो पार्ट में बटा हुआ है, बीच में पेनिनसुलर प्लेटू है, ये हमारा कौन सा है, ईस्ट पार्ट का। आप देख पाएंगे आपके लिए ये किस तरह से होगा, ये आपका ईस्टर्न पार्ट है बे ऑफ बंगाल, ठीक, और ये क्या है हमारा वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट मतलब क्या, हमारा बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी, इसका अपोजिट गुजरात तरफ का, और ये हमारा उधर वेस्ट बंगाल तरफ का, इसी के बीच में पेनिनसुलर प्लेटू है, ये दो स्ट्रिप है। इसके तीन भाग बनाए गए हैं वेस्टर्न पार्ट वाले के, सबसे ऊपर वाले पार्ट को कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, फिर कोंकण प्लेन बोलते हैं ना, सबसे ऊपर वाला कोंकण, दूसरा फिर कंकण, और सबसे नीचे वाला जो है तीसरा कौन सा कहलाता है हमारा, तीसरा जो है सबसे नीचे वाला साउथ पार्ट जो है मलाबार कोस्ट कहलाता है। जबकि इधर नॉर्थ में दो ही पार्ट है, एक नॉर्थ सिरसर और दूसरा कोरोमंडल कोस्ट, दो ही भाग बने हैं इसके, ठीक। तो वही बताया गया यहाँ पर, इस तरह से पूरा कोस्टल प्लेन का क्लासिफिकेशन हमने देखा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं हमारे आइलैंड ग्रुप्स की, इंडिया पे जो आइलैंड ग्रुप्स मौजूद हैं, पाए जाते हैं, उनकी क्या खासियतें हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया में एक और मेजर लैंडफॉर्म एग्जिस्ट करता है, जी हाँ आइलैंड। जी हाँ, इंडिया में दो मेजर आइलैंड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो कौन से हैं वो, चलिए देखते हैं। इंडिया में जो दो मेन आइलैंड ग्रुप हैं, जी हाँ, जो आइलैंड मतलब द्वीप, आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप, और द्वीप का मतलब वो एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने पढ़ा कि रिवर राइन आइलैंड होता है, समुद्र के पानी से चारों तरफ से घिरा है तो रिवर राइन आइलैंड है, और सॉरी रिवर के पानी से अगर घिरा हुआ है, अगर चारों तरफ से रिवर के पानी ने किसी लैंड को घेर कर रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर राइन आइलैंड, वो लैंड क्या कहलाएगा, रिवर राइन। लेकिन अगर सी और ओशियन के पानी से अगर कोई लैंड चारों तरफ से घिरा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं, ठीक। तो इंडिया में दो मेजर लैंड आइलैंड ग्रुप्स हैं, दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। एक है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भी दो पार्ट से मिलकर बना है, एक अंडमान और एक निकोबार। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे,
पर पहले हम देखते हैं कि जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जी आइलैंड है तो समुद्र में ही होगा एग्जिस्ट, ऑब्वियस सी बात है। हमारे इंडिया के लोअर पार्ट में, साउथ पार्ट में जो एरिया है उसी पर ये दोनों ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप क्या है, कैसा है, तरीके की जानकारी लेते हैं। इट इज क्लोज टू मलाबार कोस्ट, जो मलाबार कोस्ट है, जी हाँ स्टूडेंट, तीसरा वाला जो मलाबार कोस्ट है नीचे केरला वाला सबसे साउथ पार्ट का, उसी में ये पास, उसी पास में ये है लक्षद्वीप जो है वो मालाबार कोस्ट के पास्ट में है, यानी कि तीसरा वाला जो केरला सबसे नीचे साउथ पार्ट वाला, जी हाँ उसी के, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर पाया जाएगा। इट इज क्लोज टू मलाबार कोस्ट। दूसरी बात, कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, से स्मॉल कोरल आइलैंड से बना है। अभी कोरल क्या होता है, कोरल क्या होता है स्टूडेंट आपको बताते हैं। आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र के नीचे जहां पर एकदम लोअर पार्ट में कई मछलियां घूमती हैं, ऐसे मूंगा की चट्टाने होती हैं, स्टोन्स होते हैं अलग अलग शेप में आड़े तेरे, ऐसा लगता है कि वो फ्लावर्स है, प्लांट्स है, बट एक्चुअली दे आर नॉट फ्लावर, दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर क्रिएचर्स। ये कोरल जो होते हैं क्रिएचर्स होते हैं, क्रिएचर मतलब आपने देखा हो स्नेल के ऊपर शंख देखा है आपने, शंख, शंख कैसा होता है, वो कोरल है। एक्चुअली जो शंख है वो भी कोरल ही है, तो वो हार्ड लेयर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक्चुअली वो लिविंग फॉर्म में होते हैं, बट जब वो मर जाते हैं तो वो उस हार्ड फॉर्म में आके कोरल बन जाते हैं, ठीक। तो कोरल आइलैंड्स है, यानी उन्हीं कोरल मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, ठीक। कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, जो लक्षद्वीप है इट इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, स्मॉल कोरल आइलैंड से लक्षद्वीप बना हुआ है, ठीक। अर्लियर इसका नाम, इसके पहले का नाम दूसरे थे, बाद में इसे रिनेम किया गया, ठीक, 1973 में इसे रिनेम कर दिया गया। अर्लियर देयर नेम वाज लक्कादीव, इसी को लक्षद्वीप बोला गया था, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीव, जी हाँ लक्कादीव, मिनिकॉय और अमन दीव इसके पहले के नाम थे। लक्षद्वीप के पहले के नाम क्या है, लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमन दीव। बाद में गवर्नमेंट ने 1973 में इसका रिनेम किया, इसको फिर से बदला, इसका नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप नाम रखा गया, जी हाँ इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। इन्हीं आइलैंड ग्रुप में से, इस लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में से एक आइलैंड है जिसका नाम है पिटी आइलैंड, उसी आइलैंड के ऊपर बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, जी हाँ पक्षी के लिए अभ्यारण बना हुआ है। सेंचुरी मतलब नेशनल पार्क समझते होंगे आप, तरह तरह के बर्ड के लिए वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी बर्ड के लिए बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, जी हाँ घाना बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है, उसी तरह से भी क्या है पिटी, पिटी आइलैंड पर एक बर्ड सेंचुरी बना हुआ है, तो इस आइलैंड के ऊपर बर्ड सेंचुरी लक्षद्वीप में। तो ये लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा कि ये मलाबार कोस्ट के पास में है, दूसरी बात कि ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स है, तीसरा इसका पहले का नाम था लक्कादीव, मिनिकॉय और अमन दीव, फिर इसको रिनेम कर दिया गया 1973 में, इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप, ठीक। और यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में ही एक आइलैंड ग्रुप है पिटी आइलैंड, जहां पर क्या है बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, पक्षियों के लिए एक नेशनल पार्क समझ लीजिए या फिर जू जैसा समझ लीजिए बनाया गया, ठीक। अब आते हैं हम अंडमान है निकोबार आइलैंड ग्रुप पे, है ना। तो अंडमान निकोबार जो है, ये दिस आर द चेन ऑफ टू डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड, जी हाँ दे आर चेन ऑफ टू डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड, ये दो आइलैंड का चेन है, ग्रुप है ना, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा घना है, यानी यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है, बहुत सारे जंगल है। दे आर चेन ऑफ टू डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड। स्टूडेंट्स अंडमान आर बिगर एंड न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, जी हाँ निकोबार से बड़ा है अंडमान, अंडमान एंड निकोबार दो आइलैंड ग्रुप है, जी हाँ ये जो अंडमान है वो बिगर है, बड़ा है, न्यूमरस यानी ढेर सारे हैं और साथ ही स्कैटर्ड है, यानी एक आइलैंड के यहाँ तो यहाँ तो यहाँ ऐसे बड़ा हुआ है, इस पूरे को अंडमान बोलते हैं, सिर्फ इसको अंडमान नहीं बोलते हैं ना एक कोई, तो ऐसे फैला हुआ है बहुत सारा है, बिगर है साइज में, न्यूमरस है ढेर सारे है, और स्कैटर मतलब बिखरे हुए फैले हुए इधर उधर है, ठीक। एंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज, पूरा जो ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये दो भागों में बटा हुआ है, कौन से दो भाग, अंडमान से नॉर्थ, इस नॉर्थ पार्ट में अंडमान बोलते हैं और साउथ पार्ट में क्या बोलते हैं निकोबार बोलते हैं, कुछ इस तरह से है अंडमान से नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ, जी हाँ माना ये जाता है, ये विश्वास है, बिलीफ इज दैट दे आर सबमरीन माउंटेन्स, कि अंडमान निकोबार जो है सबमरीन माउंटेन्स है, मतलब सबमरीन मतलब पानी में आधा डूबा हुआ पहाड़ है, जी हाँ पहले ये जो समुद्र का पानी बहुत नीचे था, वाटर लेवल बहुत नीचे था, कम पानी था समुद्र में, तो पहाड़ पूरा ऊंचा दिखता था लैंड से, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ता गया तो पहाड़ डूबता गया और आज आइलैंड के रूप में थोड़ा सा जमीन बाहर ऐसे में दिखाई देती है, ठीक, मान लीजिए कुछ ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा पूरा पहले पूरा था और पानी पूरा गिर गया तो ऐसा हमें दिखाई देता है, यानी हमें लगता है कि वो आइलैंड है जमीन है, जबकि एक्चुअली वो क्या पहाड़ है, ऐसा पहाड़ है बहुत ऊपर, ठीक। इट इज बिलीव दैट दे आर सबमरीन माउंटेन्स, कहा जाता है कि क्या है सबमरीन माउंटेन्स है, दिन ब दिन ये पानी में डूबते जा रहे हैं धीरे धीरे स्टूडेंट्स, जी हाँ क्योंकि सी लेवल जो बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही तो सारा पानी समुद्र में जा रहा है और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, एक समय ऐसा है पूरी तरह से डूब जाएंगे। अगर आपको और एग्जाम्पल देखना है तो गुजरात के पास द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी कहा जाता है, वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, पूरा का पूरा शहर सिटी है वो पानी में डूब गया है, जी हाँ क्योंकि सी वाटर लेवल बढ़ते जा रहा है।
इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड हियर ऑन बैरन। जी हाँ, भारत का एकमात्र एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी जो है, एक्टिव वोल्केनो, जिसमें से राख आग वगैरह निकलती है, एक्टिव वोल्केनो इंडिया में सिर्फ एक ही है, और वो भी कहाँ पर है, इसी आइलैंड ग्रुप पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप पे, वो भी बैरन लैंड यानी खाली पड़ी जमीन पर है। तो स्टूडेंट यह आप देख पा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। तो हम यहाँ आइलैंड ग्रुप के बारे में समझ पा रहे हैं कि दो आइलैंड ग्रुप मेजर है इंडिया में, एक है लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भी दो पार्ट में बटा हुआ है। लक्षद्वीप जो है मलाबार कोस्ट यानी केरला के पास में है, यानी वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक। ये स्मॉल कोरल चीजों से बना हुआ है, स्मॉल कोरल आइलैंड ऐसा माना जाता है, ठीक। और तो इसके पहले के नाम दूसरे थे, 1973 के पहले इसका नाम था लक्कादीव, मिनिकॉय और अमनदीव, जिसको बदल दिया 1973 में, क्या रखा गया इसका नाम, लक्षद्वीप। और इसी लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप पे एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है पिटी आइलैंड, वहां पर क्या है, बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। क्या बनाई गई, वन्य जीव अभयारण्य, यानी पक्षियों के लिए अभयारण्य बनाया गया है। फिर आते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, घना फॉरेस्ट का क्या है, चेन है, ठीक। यहाँ पे जो भी चेन है आइलैंड का, उसमें बहुत घने फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट। अंडमान जो है बहुत ही बिगर है साइज में, और ढेर सारे हैं, और पूरा फैला हुआ है, पूरा स्कैटर्ड है इधर से उधर, और ये दो भागों में बटा है, अंडमान से नॉर्थ एंड निकोबार से साउथ, है दो कैटेगरी में बटा है। साउथ में क्या है, निकोबार है, नॉर्थ में अंडमान है, ठीक। माना ये जाता है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार है, ये क्या है, सबमरीन माउंटेन्स है। जी हाँ, सबमर्ज्ड है, पानी में डूबे हुए पहाड़ है, सबमरीन सबमर्ज्ड, ठीक। इंडिया का एकमात्र एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो जो है, वो कहाँ पाया जाता है, इसी बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर पाया जाता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बात होगी हमने किसी कर दी आइलैंड्स की। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, द ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यहाँ पर समाप्त होता है। स्टूडेंट आई होप वीडियो लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर आप लर्न कर लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिए और देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।